नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू करेगा फेलोशिप कार्यक्रम। विश्व जगत में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को शीर्ष पर पहुँचाना है लक्ष्य। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट में मिली जानकारी, ब्राजील में 709 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली आकाशीय बिजली गिरी। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम यानी FPIS के लिए विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। सार्क देशों के साथ साथ अन्य देशों के छात्रों के लिए कॉमन फेलोशिप प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी MD और मास्टर इन सर्जरी यानी MS के बाद के स्तर पर पढ़ाई करने के लिए FPIS का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या NBE का है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत में देश की प्रतिष्ठा एवं भूमिका को सुधारते हुए शीर्ष पर ले जाना है। आपको बताते चले कि NBE की स्थापना साल 1975 में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के एक शाखा के रूप में किया गया था। इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं का आयोजन करना है। बाद में साल 1982 में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत कर लिया गया और इसका दायरा बढ़ाते हुए अन्य कामों को सौंपा गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च मानक स्नातकोत्तर परीक्षाओं का आयोजन करना, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम विकसित करना और जिन संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाना है उसको मान्यता प्रदान करना आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत नामांकित छात्रों को डिप्लोमेंट्स ऑफ नेशनल बोर्ड कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में ब्राज़ील में 709 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बिजली गिरी, जबकि साल 2019 में अर्जेंटीना में 16.73 सेकंड तक चलने वाली बिजली का वज्रपात हुआ, जो कि अब तक बिजली चमकने का सर्वाधिक लंबा रिकॉर्ड है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील के इस रिकॉर्ड लंबी दूरी तय करने वाली बिजली गिरने से पहले दूसरी सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के पास था, जहां 20 जून 2007 को 321 किलोमीटर लंबी आकाशीय बिजली चमकी थी। विश्व में आकाशीय बिजली गिरने की सबसे अधिक घटनाएँ प्रतिवर्ष औसतन 77.8 मिलियन ब्राज़ील में घटित होती है। बिजली चमकने को अब रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मेगा फ्लैश कहा जाता है। वज्रपात या आकाशीय बिजली वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तेज और भारी विद्युत प्रवाह है, जिसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर आ जाता है। बिजली का यह प्रवाह 10 से 11 किलोमीटर लंबे उन बादलों में होता है जो विशाल आकार के होते हैं और उसमें भारी आर्द्रता होती है। बिजली वाले बादल पृथ्वी से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, लेकिन इनका शीर्ष भाग 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर रहता है। साथ ही इन बादलों के शीर्ष पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका आवेश न्यूट्रल होता है, लेकिन बादल की निगरानी परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक होता है। यही कारण है कि बिजली का 15 से 20% भाग पृथ्वी पर आ जाता है, जिसे साधारण भाषा में वज्रपात कहा जाता है। आकाशीय बिजली अधिकतर पेड़, मीनार या भवन जैसी ऊंची वस्तुओं पर गिरती है। बिजली गिरने की भविष्यवाणी केवल 30 से 40 मिनट पहले की जा सकती है। अगर वज्रपात के विषय में समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए तो अनेक लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। भारत ने 265 पाकिस्तानी आम नागरिकों और 97 मछुआरों की सूची सौंपी और पाकिस्तान ने भी अपनी हिरासत में मौजूद 54 आम नागरिकों और 270 भारतीय मछुआरों की सूची सौंप दी है।
आपको बता दें कि साल 2008 में हुए राजनयिक पहुंच संबंधी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पास बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी और 1 जुलाई को करते हैं। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। गौरतलब है कि ICC का अध्यक्ष अधिकतम 3 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। ICC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी हैं। 1 जुलाई को राजनीतिक स्थिति को लेकर रूस में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें वर्तमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में रहने का जनादेश हासिल किया। रूस में हुए संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के दौरान जनता ने राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जून 2020 के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि 8 जून 2020 से अनलॉक 1 के साथ होने वाली कुछ आर्थिक गतिविधियों के चलते 2 महीने बाद बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। यह गिरावट दर 25.5% से घटकर 10.9% हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जुलाई 2020 से शुरू की गई अनलॉक 2 के साथ बेरोजगारी दर में और भी कमी दर्ज की जाएगी। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका की कार्नेगी कॉरपोरेशन सम्मानित करेगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज शेट्टी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि श्री पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तकरीबन 3 दशकों के करियर में श्री पांडे ने विदेश मामलों के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने के साथ साथ अफगानिस्तान, मिस्र, ओमान, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भारतीय मिशनों का हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।